बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। प्रणाम दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी सभी को प्रणाम करते हुए, सज्जनों और असज्जन यानी कि बंदो संत असज्जन चरना, अर्थात मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। मैं संतों को भी प्रणाम करता हूँ, साथ ही दुष्ट हैं जो असज्जन लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ अंतर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। एक जब बिछुड़ता है यानी कि संत जब बिछुड़ता है, कोई अच्छा व्यक्ति जब जाता है तो पूरा देश रोता है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अर्थात जब कोई संत हमसे बिछुड़ता है तो वो हमारे प्राण लेकर चले जाता है। ऐसा लगता है मानो हमारा सब कुछ लूट गया हो। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जब आपको मिल जाए जो असज्जन है, दुष्ट व्यक्ति है, तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। ऐसा ना हो जाए यार कहीं रास्ते में बैठ हो जाए, बहुत सर खाता है। तो ऐसे लोग भी हैं, और आपने घर पे कहीं ऐसे भी लोग देखे होंगे, कुछ घर वाले मनाही कर देते हैं कि उसके साथ में मत जाना तू घूमने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों प्रकार के लोगों को प्रणाम करते हैं, संतों को भी प्रणाम करते हैं और असंतों को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत जब बिछुड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, और जब असज्जन कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाता है तब भी बहुत दुख होता है। उनके बिछुड़ने पर दुख होता है, लेकिन इनके मिलने पर दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दुख दारुण, दारुण यानी भीषण दुख देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों को प्रणाम करते हैं, हमको मानो ये संकेत दे रहे हों कि हमें दोनों को प्रणाम करना चाहिए। एक को पूरे मन से प्रणाम करना चाहिए, झुककर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, वहीं दूसरे यानी कि दुष्ट लोगों को दूर से ही प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप उनसे उलझोगे तो उलझ कर रह जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही प्यारा संदेश देते हैं। आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। आप और अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री।